Not internally. Money can bring happiness. It does for some people to a certain extent. तो आप जंगलों में भी जाके अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो हाँ भी कैसे हो? आज की जो वीडियो है ना वो एक किस्म की मैं बड़े अरसे से सोच रहा था कि मैं ये वाली वीडियो बनाऊंगा और मैं काफ़ी अरसे से बस सोचता ही रह रहा था लेकिन मैंने कहा अब सोचना बंद करते हैं और अब बनाना शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो पॉडकास्ट एक किस्म का कह सकते हैं आप लोग लेकिन कहेंगे पॉडकास्ट का ये वाला फॉर्मेट तो नहीं होता लेकिन ये एक टाइप ऑफ पॉडकास्ट है जो मैं आगे भी करूँगा लेकिन बैठ के भी हम लोग करेंगे और चलते फिरते भी करेंगे इंटरव्यू कह लें जो मर्जी कह लें लेकिन इस शो का जो है ना वो नाम है 1 मिनट पॉडकास्ट। मुझे नहीं पता मैं बार बार इसको इस तरह क्यों कर रहा हूँ लेकिन इस शो का नाम है 1 मिनट पॉडकास्ट और हम लोग यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे लोगों से और आज का क्वेश्चन है डज मनी ब्रिंग हैप्पीनेस। तो अभी हम जाएंगे अभी एट द मोमेंट मैं कोसार मार्केट में हूँ F6 में और हम लोग जाएंगे रैंडम लोगों के पास और उनसे पूछेंगे डज मनी ब्रिंग हैप्पीनेस और नॉट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है आपका? इब्रीज अब्दुल्ला। सर जी, आज का हमारा जो सवाल है वो है डज मनी ब्रिंग हैप्पीनेस, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? आई थिंक इट डज फॉर सम पीपल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, उसके बाद इट लूजेस वैल्यू, उसके बाद वो खुशी ढूंढते ही रहते हैं। आई थिंक इन द मोमेंट इट डज बट इट्स द टेंपरेरी काइंड, द लॉन्ग रन नो नॉट। आई थिंक मनी कैन ब्रिंग हैप्पीनेस फ्रॉम सम पर्सपेक्टिव, लेकिन ये है कि अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो आई थिंक फैमिली और चीज़ें इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन प्लीज़ एलैबोरेट, लाइक कुछ लोग कहते हैं कि भाई आती है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आती, तो आपको क्या लगता है किस तरह आती है और किस तरह नहीं आती? आई गेस इट्स डिफरेंट हर किसी के लिए, क्योंकि कुछ लोग के लिए वो जो मटीरियलिस्टिक होते हैं उनको चीज़ों से खुशी मिलती है, वो चीज़ें लेते रहते हैं, बाकी लोग हैं वो इंसानों में बाकी छोटी छोटी चीज़ों में वो उनमें खुशियाँ ढूंढते हैं। तो आई गेस उस तरीके से इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन। अगर आता रहे तो फिर मिलती है लेकिन नॉट इंटरनली, जस्ट एक्सटर्नल हैप्पीनेस थोड़ी देर के लिए और अंदर से नहीं खुशी मिलती, खाली पैसे से कुछ नहीं आता है। नहीं, पैसा भी ठीक है लेकिन अगर आप देखो ना कि आप फैमिली हो गई, बस आपके बच्चे हैं, तो आई थिंक वो चीज़ें ऐसी हैं जो मनी कैन नेवर बाय। असली यानी कि इटरनल हैप्पीनेस उसी से आती है। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि फैमिली हो गई, बच्चे हो गए, आपका अपना घर हो गया, वो पैसे नहीं खरीद सकता। तो पैसा ठीक है, पैसे की अपनी वैल्यू है लेकिन पैसा ऐसी चीज़ें नहीं खरीद सकता जो इंसान अपने दिल के साथ रखता है। मतलब फैमिली हो गई, बच्चे हो गए, सेहत हो गई, हेल्थ स्पेशली अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आई थिंक पैसा नो मैटर हाउ मच मनी यू स्पेंड ऑन योर हेल्थ, लेकिन अगर आपकी अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छी सेहत दी है तो पैसा वो खरीद नहीं सकता। तो इस जो आज का सवाल है ना इसका जवाब मैं भी दूंगा लेकिन आखिर में, क्योंकि एंटिसिपेशन भी होनी चाहिए, आखिर तक पता चलना चाहिए कि पहले और लोगों से इसका जवाब मालूम करेंगे फिर मैं आपको अपना ओपिनियन इसमें दूंगा और आप लोग भी कॉमेंट्स के अंदर बता सकते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है इसका। तो या प्लीज़ डू कॉमेंट डाउन बिलो, डू यू थिंक डज मनी ब्रिंग हैप्पीनेस और नॉट? अगर आप किसी को कुछ लेके देते हो एज अ गिफ्ट तो उससे आप खुशी टेम्प्रेरी लेके उसको दे सकते हो? सर मेरे ख्याल में तो यस, क्योंकि आजकल जो है ना सारे सब की नज़र में पैसा ही सब कुछ है। पैसा इंसान की ज़रूरत ज़रूर है पर खुश नहीं आप इसके साथ रह सकते। अगर आप अकेले ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जंगलों में तो आप जंगलों में भी जाके अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते। तो जो लोग कहते हैं कि भाई नीड है, पैसा एक नीड है, सिर्फ एक नीड है, इसके बगैर आ जा सकता, उसके बगैर आप रह भी सकते, खुश रह जा सकते। अगर हकीकत के तौर पे देखा जाए तो आप बिल्कुल खुश रह सकते हैं इसके बगैर। सबकी नज़र में हो ना हो, आपकी नज़र में या मेरी नज़र में पैसा कुछ भी नहीं है। नहीं लेकिन खुशी मिलती है, खुशियाँ पैसे से ज़्यादा दोस्तों की उसमें, मतलब फ्रेंड्स हो, गैदरिंग हो, साइड में गाड़ी गाड़ी मार देगी उसके लिए उस वो है हैप्पीनेस, लेकिन पैसा नहीं है तो मेरी नज़र में नहीं है। बाकी सब तो अगर आपके पास पैसा हो जो मर्जी आप दिल जो दिल में चीज़ आए आप ले सकें तो खुशी नहीं मिलेगी आपको? वो खुशी नहीं मिलेगी जो मतलब अब जैसे हम कह सकते हैं कि अकेले बैठ के अगर आप महंगी से महंगी चीज़ भी कर लें लेकिन वो आपको खुशी नहीं मिलेगी अगर दोस्तों के साथ हो।
ये बात तो है आपकी। तो इस वजह से मेरी नज़र में पैसा हैप्पीनेस नहीं है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है सिर्फ ज़रूरत की वजह से, हमें हर चीज़ की ज़रूरत हमने खुद की हुई है ना, हमें ये भी चाहिए, हमें गाड़ियाँ भी चाहिए, हमें घर भी चाहिए अच्छे, अल्लाह ने तो हमें इसके बगैर भेजा और अल्लाह ने इसके बगैर हमें वापस बुला दिया। तो वो यहाँ की सिर्फ ज़रूरत ज़रूर है, पैसा नीड ज़रूर है इंसान की, पर इसके बगैर आप खुश अल्लाह के जिक्र में रह सकते। पैसे से खुशी मिलती है ऑफ कोर्स, देख नहीं रहे। तो यार हालात कुछ ऐसे आ गए हैं कि अभी साइड पे खड़े हुए थे और मुंह मुरझाए हुए थे क्योंकि काफ़ी थक गए हम सुबह से इंटरव्यू करें, और अभी एक आंटी ने आके हमें 100 रुपया पकड़ाना चाहे कि हम लोग पैसे मांग रहे हैं। बट यार कम आ रहा, डू आई लुक लाइक आई एम अ बेगर यार, शिट यार। ये था हमारा आज का एक किस्म का इंटरव्यू, एक तो ज़्यादा इंटरव्यू हो ही नहीं, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम था मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में आके जो है ना सवाल पूछ रहा हूँ रैंडम लोगों से। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन ये है कि टू सम एक्सटेंड मरी डज़ बाय हैप्पीनेस, वो इस तरह के आपको एक माहौल या एम्बियंस मिल जाती है जब आपके पैसे होते हैं, यू हैव फ्रीडम टू डू एवरी थिंग एंड वेन एवर यू वॉन्ट। तो मेरे ख्याल से इस तरह आपको एक किस्म की खुशी देती है पैसे, लेकिन इटरनल हैप्पीनेस आपको नहीं मिल सकती पैसों से। तो मेरा ये जवाब है, और कमेंट के अंदर आप बता सकते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, और यही बता सकते हैं कि अगले शो के अंदर हम और किस किस्म का सवाल कर सकते हैं और किस किस्म की जगह पे जाके कर सकते हैं। तो प्लीज़ लेट अस नो डाउन इन द कमेंट्स के व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो शो एपिसोड व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, और इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़। अभी आप लोग, आप बताएंगे कि आप लोग यहाँ पे क्या लाइक क्या कर रहे हैं? बेक सेल कर रहे हैं एनिमल शेल्टर के लिए, स्ट्रीज होम। It's the first animal shelter of Islamabad, and we're rehabilitating about 100 dogs, and we're doing a bake sale right now to pay off pending food bills and medical bills. That's about it. If you want, you can visit the shelter or donate. Jagah hai 11 ke paas ek village hai, it's called Chantra. You can get in touch with these handles and they will let you know about the location, the exact pin.